आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं निदा खान, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी देश भर में शहीदों की याद में रैलियां निकाली गईं, पाकिस्तान का पुतला जलाया गया। सभी धर्मों ने मिलकर एकजुट होकर भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आज सारे हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान ने जो कायरता पूर्वक हमला हमारे देश के जवानों पे किया है, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि 130 करोड़ की जनता का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज कश्मीरी आतंकवादियों ने जो घटना देश के जवानों के साथ की है, नरेंद्र मोदी इससे कर रहा जवाब आज पाकिस्तान को देने में सक्षम है और उसकी रोबोटी से बोटी बजाने में सक्षम है। देश की जनता उम्मीद करती है पाकिस्तान को इससे कड़ा जवाब मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर आत्मविश्वास है और वो जवाब देगी। उधर बस्ती जिले में भी जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला। कंपनी बाग चौराहे पर बस्ती के कई स्कूली बच्चों ने झांकी निकाली। शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना अर्चना की गई। तभी उस रैली में एक मुस्लिम युवक घुस आता है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगता है, जिसे भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही भाजपा नेता प्रमोद पांडे ने पुलिस से उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की व NIA द्वारा जांच करवाने का आग्रह किया, जिसका ज्ञापन SDM को भी सौंपा गया। रैली में बिमल कुमार त्रिपाठी, कबीर तिवारी, विनोद पांडे, अखंड प्रताप सिंह, संतोष चौधरी, सत्यम शुक्ला, बिमलेश त्रिपाठी व अनुराग पांडे सहित कई छात्र नेता मौजूद थे। लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 2 के आशीष प्लाजा के दुकानदारों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान का पुतला भी जलाया। साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक 2 की बारी है, ये धोखेबाज पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने की मांग की गई। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आगरा के थाना सदर भट्टी बाजार में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और भारत सरकार से अपील की है कि ठोस कार्रवाई करके पाकिस्तान को भारत जल्द ही सबक सिखाए। साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि कुछ अंदरूनी ताकतें और राजनीतिक दल हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। आज विकास नगर थाने के बीट प्रभारी SI मंगल सिंह व SI अख्तर सईद उस्मानी ने फूलचंद निवासी कल्याणपुर की बाइक मात्र एक घंटे में ढूंढ निकाली। मामा चौराहा स्थित बंधन बैंक के पास से चोरी हुई बाइक को CCTV के फुटेज के आधार पर मात्र एक घंटे में गाड़ी को ढूंढ निकाला और गाड़ी के मालिक फूलचंद को सौंप दी। तो अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं KK कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, दर्श किड्स, स्वर्णगान सिंगिंग एकेडमी। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक।